हेलो एवरीवन, आज है 2 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, 31 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। आज हल्की सी रैली इसमें जरूर देखने को मिली है, हालांकि अगर हम देखें तो काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन से ये शेयर गुजरा है। और इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक 31 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 18% की हमें यहाँ पर बढ़िया रैली देखने को मिली है। 26 रुपए के ऊपर शेयर था, 33 रुपए तक पहुंचा, बाद में थोड़ी गिरावट भी है, लेकिन अब वापस तेजी की तरफ शेयर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल की बात करें तो 27% की गिरावट है। 46 रुपए से टूटकर शेयर 18 रुपए तक पहुंचा था, और इससे पहले मैंने IDFC में कभी बाइंग की एडवाइस नहीं दी, लेकिन जब शेयर 18 रुपए के ऊपर था, जब इसके मार्च क्वार्टर के नतीजे आए थे और काफी दमदार नतीजे थे, और उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको बाइंग की एडवाइस दी थी। मैंने यहाँ पर आपको बाइंग की एडवाइस दी थी, मैंने कहा था कि डेफिनेटली अब यहाँ से धीरे धीरे इसके फंडामेंटल्स अच्छे हो सकते हैं। और उसके बाद जब Q1 के जून क्वार्टर के नतीजे आए तो वो भी बहुत ही बढ़िया नतीजे थे, और उसके बाद शेयर में और बड़ी रैली आई, और तब भी मैंने कहा था कि अब धीरे धीरे जो दिक्कत यहाँ पर थी IDFC फर्स्ट बैंक में, वो शायद धीरे धीरे सॉल्व होती हुई देखने को मिल रही है। शायद अब यहाँ से एक अच्छी शुरुआत आपको ये शेयर दिखा सकता है। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में IDFC फर्स्ट बैंक में 44% की गिरावट है। 68 रुपीज के लेवल से कंटिन्यूस शेयर टूटा है, तेजी भी आई तो शॉर्ट टर्म की थी, फिर गिरावट आई, फिर तेजी, फिर गिरावट आई, और कोविड के चलते 18 रुपए तक शेयर टूट गया। और अब तक अगर आप देखेंगे मेरे वीडियोस, पिछले वीडियो अगर आप देख रहे हो तो मैंने बाइंग की एडवाइस नहीं दी थी, और मैंने बाइंग की एडवाइस तब दी जब कोविड से शेयर टूट गया, जब इनके मार्च 2020 के नतीजे अच्छे आए, और वहां से मैंने बाइंग की एडवाइस दी, और वहां से शेयर में आपको तेजी भी अच्छी खासी देखने को मिल गई। मिड कैप शेयर है ये, 17,900 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। NSE में देखने जाएंगे तो तकरीबन तकरीबन 2.25 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करूं तो 40% की होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर के पास देखने को मिली है। FIS के पास 11.31% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 2.61% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.59% की होल्डिंग देखने को मिली है। और तो और अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 32.83% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहाँ पर IDFC फाइनेंशियल होल्डिंग है, जिनके पास 40% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 9 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, 142 FIIs इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर के बाद की तो क्लोवर 10 इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, जिनके पास 8.32% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 20.50% के आसपास है, और डिविडेंड आखिरी बार 2018 में पे किया था, उसके बाद इस कंपनी ने, इस बैंक ने कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। 2019 में डिविडेंड नहीं पे किया था, और 2020 में भी कोई डिविडेंड पे नहीं होने वाला है। यहाँ पर देखेंगे तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार है इसकी, और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 90% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 5% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 95% लोग, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 95% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 5% लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह भी दे रहे हैं। IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में अगर हम बात करने जाए तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि इससे पहले मैंने बाइंग की रेटिंग नहीं दी थी, लेकिन जब मैंने बाइंग की रेटिंग तब दी जब मार्च 2020 में 76 करोड़ का इस बैंक ने मुनाफा दर्ज किया, और इसके बाद मैंने अपना व्यू पॉइंट बदला, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखेंगे तो बैंक में सिर्फ लॉस देखने को मिल रहे थे। 1,631 करोड़ का लॉस यहाँ पर दिसंबर 2019 में था, सितंबर 2019 में 675 करोड़ का लॉस था, 611 करोड़ का लॉस जून 2019 में देखने को मिला था। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, और कंपनी ने वाकई में पैसा कमा कर दिया है। 76 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2020 में, और जून 2020 में 100 करोड़ के आसपास का मुनाफा इस बैंक ने कमाया हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो कंपनी बैंक के जो ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए में काफी बढ़िया सुधार हमें देखने को मिला है। 1.99 का ग्रोस एनपीए है और नेट एनपीए 0.51 है, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी अच्छा सुधार यहाँ पर देखने को मिला है, तो ये भी काफी अच्छी और पॉजिटिव बात हम यहाँ पर कह सकते हैं। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो 40% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है,
और सबसे बेहतर जो चीज है, भले FIIs ने अपनी होल्डिंग को कट डाउन किया, 13.43% की होल्डिंग 11.37%, लेकिन सरप्राइज किया है इंश्योरेंस कंपनी ने। पिछले क्वार्टर तक मतलब मार्च 2020 तक जो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 0.70% की होल्डिंग ओन करते थे, आज उनके पास 8.19% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी ने काफी ज्यादा सरप्राइज किया है। एक बहुत बड़ी होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ने एक ही क्वार्टर में खरीदी और आई थिंक उसका इनको एक बहुत बड़ा फायदा भी मिल रहा है, क्योंकि जून क्वार्टर से लेकर अगर अब हम देखें तो बैंक में काफी बढ़िया रैली हमें देखने को ऑलरेडी मिल चुकी है। म्यूचुअल फंड की 2.72% की होल्डिंग 2.71% के आसपास देखने को मिल रही है। तो देखिए, बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास काफी बड़ी होल्डिंग है IDFC फर्स्ट बैंक की। बैंक में की जो भी दिक्कतें थी, मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे अब खत्म हो जानी चाहिए और यहाँ से एक अच्छी शुरुआत होती हुई आपको देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। तो IDFC फर्स्ट बैंक में मेरा अभी भी पॉजिटिव व्यू है। मुझे लगता है कि अभी भी बैंक में जगह है खरीदारी की, अभी और खरीदारी की है तो बने रहने की। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रहो। फ्रेश बाइंग करना चाहो तो देखिए, मैं हर बार कहता हूँ, हर वीडियो में ये चीज मैं रिपीट करता हूँ कि मार्केट अभी भी अच्छा नहीं है, उतना अनस्टेबल अभी भी मार्केट है। तो मैं यही कहूंगा कि एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी ऐड मत करिए। अगर 5 रुपए अब जाएगा तो 4 रुपए नीचे भी आएगा शेयर यहाँ पर, और वापस 5 रुपए अब जाएगा। तो याद रखिए, एवरेजिंग करने की जरूरत आपको हर बार पड़ेगी। तो मैं यही कहूंगा कि एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करें। ये सोच के खरीदारी करें कि भैया आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं, पहले 20 क्वांटिटी ही खरीदे, वेट करें, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से कम 1-1.5 साल का प्लान लेके चलिए और जल्दबाजी मत करिए। मार्केट अभी जल्दबाजी करने वाला मार्केट नहीं है। आराम से ठंडे दिमाग से सोच खरीदारी करें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। कोई मौका, कोई ट्रेन आपके हाथों से छूटी नहीं जा रही है, हर मौका आपको मिलेगा आने वाले दिनों में। तो मैं यही कहूंगा कि छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदो और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते जाओ, और कम से कम यहाँ पर 1-1.5 साल का प्लान लेके चलिए। 1-2 हफ्ते में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है। धीरे धीरे ये शेयर आगे बढ़ेगा और डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रिटर्न कमा कर देगा। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि शेयर 3500 रुपए के तक के टारगेट दिखा सकता है, और लॉन्ग टर्म में 4500 रुपए तक के भी आपको टारगेट IDFC फर्स्ट बैंक में देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।